अगली कॉलर कमला जी। कमला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, मेरे दो तीन सवाल हैं जी। जी गूंद फिया ले रही हूँ मैं 1.5 महीने से। गूंद में तो मेरे को जी खूब आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया हमें। खूब आराम है जी, मेरे को इतना काम का परहेज भी नहीं पुगता लेकिन काम भी करना पड़ता है, फिर भी मेरे को बहुत आराम है जी। मजबूरी है जी काम करना भी, घर में कोई काम करने वाला है नहीं, फिर भी मेरे को बहुत आराम है, बहुत आराम। और क्या सवाल? एक मेरा ये सवाल है जी, मेरे थोड़े से सफेद पानी की शिकायत है, पतला पानी नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है जी, मेरा पति शाम को सोता है तब उसको खड़ाकता आता है जी। तीसरा सवाल मेरा ये है जी, उनके बवासीर है जी। ठीक है, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि गौण सिया से भगवान ने आपको फायदा दिया, और थोड़ा काम कम करें और कोई अपनी मददगार कोई नौकर रख लें, कुछ करें। ये दर्द बड़ा ख़तरनाक है, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है इसको, तो कुछ दिन एहतियात हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता था, अभी तक आपको पूरा ही फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आपको इत्मीनान है, इस बात से मुझे बहुत इत्मीनान है कि आपको इत्मीनान आ गया। अब देखिए, खर्राटे वाले को अगर नज़ला खांसी का रोग है तो उसका इलाज कराना चाहिए, अगर वेट ज़्यादा है और पेट ज़्यादा है तो उसका इलाज कराएं। तो रोग ठीक हो सकता है, वरना कम अज कम वो सीधे लेट के खर्राटे आते हैं, तो कभी खर्राटे आपको अच्छे नहीं लगें तो उनको हल्के से करवट दिला दें तो खर्राटे बंद हो जाते हैं। तो रोग पर डिपेंड है, क्या रोग है उसके हिसाब से मैं नुस्खा उनको बताऊंगा। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करा दें। और क्या सवाल? बवासीर की भी समस्या होने। अच्छा, 6 चीज़ों का पाउडर बना लें, सौंफ, सौंठ, जीरा। आपके किचन में सारी चीज़ें होंगी, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 100-100 ग्राम लेके इसका चूर्ण बना के रख लें। नमक, जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास पानी में, असली लें, ये नकली नहीं ले सकते कोई भी दवा। इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर उन्हें खिला दें दिन में 2 बार, तो उनकी काफ़ी समस्याएं, साथ में बवासीर और पेट का हाजमा और बहुत सारे रोगों में ये फ़ायदा होता है, हो सकता है खर्राटों में भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो जाए जी। वाइट डिस्चार्ज की समस्या में एक आता है गौन चिलगोजा, ये पाउडर बना लें, ये भी रॉ मटेरियल है, गौन सिया की तरह ये एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना के अलग रख लें। लेकिन ये तेज़ बहुत होता है, एक ही खुराक में लॉक कर देता है ऐसी बीमारियां, जो वाइट डिस्चार्ज जैसी बीमारियां। तो अलसी लें, 100 ग्राम अलसी ले लें और 100 ग्राम लाजवंती, ये 100-100 ग्राम लेके इन्हें खूब बारीक पीस के रखें। और ये एक दोनों चीज़ें जो 100-100 ग्राम आपने ली हैं, ये 1 चम्मच पानी में या दूध में मिला दें, गर्म होना चाहिए, और अपनी ज़रूरत का इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं अगर शुगर नहीं है। और बस 1 चुटकी में जितना गौन चिलगोज़ा है इससे ज़्यादा नहीं, इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 खुराक ले लिया करिए, रात को सोते में ले लिया करिए, तो ये भी वाइट डिस्चार्ज की शिकायत को एकदम लॉक कर देता है। और इस शिकायत से भी हमारे जोड़ों में दर्द बहुत रहता है, कमर में दर्द बहुत रहता है और कमज़ोरी बहुत आ जाती है, तो जो भी महिलाएं, बच्चियों को भी ये रोग होता है तो वो ये नुस्खा ले सकते हैं।